हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को SBI का ऐसे तीन टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो आपको आगे जाके एक बहुत बढ़िया कॉर्पस बना के दे सकता है। दोस्तों SBI के ऐसे तीन टॉप म्यूचुअल फंड, अगर आप इसमें 5,000 रुपये का मंथली SIP करते हो तो लॉन्ग टर्म में ये फंड कम से कम 2.3 करोड़ के कॉर्पस बना के आपको दे सकता है। ये तीन टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देने से पहले दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स प्लान का बहुत बढ़िया प्लान है, लेकिन भारत के लोग आज के टाइम पे भी फिक्स डिपॉजिट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। रिटर्न चाहे 5 या 6% मिले, लेकिन जो महंगाई बढ़ रहा है हर साल, इन्फ्लेशन रेट दोस्तों 5 से 7% है। आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट करके आपका पैसे को घटा रहे हो दिन दिन, ठीक है। और चाहे आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल 15 साल के लिए, ठीक है, आगे जाके वो पैसे का जो रियल वैल्यू है दोस्तों बहुत ही घट रहा है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये बात आपको समझ में क्लियर में आ जाएगा। अगर दोस्तों भारत के जो लोग है उसमें नेगेटिव पॉइंट एक और भी है कि म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कर देते, जबकि अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों आपको 15 से 17% तक आराम से इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो FD से 3 से 4 गुना ज्यादा होते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है दोस्तों, मानिए कभी भी किसी कारण से टाटा पावर का शेयर गिर जाता है, ठीक है, आपने टाटा पावर के शेयर में इन्वेस्ट कर रखे हो तो टाटा पावर का शेयर गिरेगा तो आपका पैसा भी गिर जाएगा। मानिए आप टाटा पावर में 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हो तो क्या हुआ, किसी कारण अगर टाटा पावर का जो स्टॉक है वो गिर जाता है 20%, तो आपका जो पैसा है 1,000 रुपये सीधा 800 रुपये में आ जाएगा, मतलब आपको उसी टाइम 200 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों, उसमें म्यूचुअल फंड का जो कंपनी होता है वो आपका पैसा ले जाएगा, कम से कम 15 से 20 कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देगा, वो भी अलग अलग परसेंटेज से, माने 2, 3, 5, 10, 12। रिस्क दोस्तों ना बराबर होता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे FD में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं आज के टाइम पे भी। लेकिन तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, उसमें हाईली एजुकेटेड पर्सन का जरूरत होता है और अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए तो इंडिया में सबसे ज्यादा आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड को रिफर करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सेविंग एक बेस्ट सेविंग्स प्लान का जरिया होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोस्तों को क्या क्या जरूरत पड़ सकता है, फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट, होल्डिंग डिटेल, बिजनेस और प्रॉफिट एंड लॉस, दोस्तों ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो पैसे को तो दोस्तों आपको किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता जानकारी के लिए। फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड को बढ़िया से मैनेज करते हैं। दोस्तों फंड मैनेजर का जो रोल है म्यूचुअल फंड में दोस्तों टॉप क्लास में आता है। दोस्तों अगर हम देखते हैं कि फंड मैनेजर के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले फंड मैनेजर को बहुत ही हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसको एक्सपीरियंस होल्डर होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो या 15 साल का हो दोस्तों। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों वो है एक्सपीरियंस रेशियो। म्यूचुअल फंड का दोस्तों एक्सपीरियंस रेशियो जितना कम होता है उस फंड के लिए बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों, इसलिए म्यूचुअल फंड को एक्सपीरियंस रेशियो कम देख के हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों अगर हम आज आपको बताएंगे कि SBI का जो टॉप म्यूचुअल फंड आता है, सबसे पहले जो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों पिछले 3 साल से ये 28%, 5 साल से 23% और लास्ट 10 साल से ये 20% रिटर्न बनाकर अपने कस्टमर को दे रहा है, और ऑल टाइम अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 21.23% का रिटर्न ये एवरेज बना के अभी तक अपने कस्टमर को दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों बहुत ही कम है, 0.89%। करंट जो नेव है, नेट एसेट वैल्यू, वो है 167 और एग्जिट लोड 0.5%। अगर 15 दिन के अंदर आप म्यूचुअल फंड को बंद कर देते हो तो दोस्तों आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लमसम अमाउंट 5,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और SIP सिर्फ 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इसमें 2,00,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, रिटर्न हम पकड़ लेते 21% और ड्यूरेशन रहेगा 15 साल, तो दोस्तों आपका जो कॉर्पस बनेगा 35,86,000 लगभग। और अगर आप इसी 15 साल को 20 साल में कन्वर्ट कर देते हो, 5 साल ज्यादा कर देते हो, तो दोस्तों आपको 93,00,000 रुपीज बन रहा है। सिर्फ 5 साल में आपका पैसा 3 गुन हो रहा है दोस्तों, तो आपका ये जो पावर ऑफ कंपनी का मेन फायदा होता है दोस्तों इसमें। अगर आप 5,000 रुपये मंथली SIP करते हो तो सब कॉर्पस बन रहा है 44 लाख सिर्फ 15 साल में, वही अगर आप इसको 20 साल में ले जाते हो तो दोस्तों आपका जो टोटल कॉर्पस बन जाएगा 1,46,63,000। दोस्तों ये होता है लंबा टाइम का जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो सबसे ज्यादा फायदा इसी में मिलता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि टॉप जो होल्डिंग कंपनीज में ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, इंफोसिस, TCS, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, नेटफ्लिक्स USA
HCL, Wipro, Microsoft, दोस्तों ये इंडिया का नहीं बाहर का भी टॉप टॉप कंपनी में ये म्यूचुअल फंड अपना पैसे को निवेश कर रखे हैं। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे जाएगा वो दोस्तों SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों इसका जो लास्ट 3 साल का रिटर्न है 25%, लास्ट 5 साल का रिटर्न है 14% और लास्ट 10 साल का जो रिटर्न है 25.70%। ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का 25.19%। दोस्तों ये फंड बहुत ही रिस्की है और दोस्तों इसका जो फंड मैनेजर है दोस्तों 19 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस रेशियो है इस फंड का 0.71%, जो बहुत ही कम है। और करंट नेट एसेट वैल्यू दोस्तों 100 रुपया, जो इस मामले में अभी थोड़ा कम है। दोस्तों अगर देखोगे कि SBI म्यूचुअल फंड का लमसम अगर आप इसको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, रिटर्न मान लीजिए 25%, और दोस्तों आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 20 साल के लिए, तो दोस्तों आपको 20 साल में जो बन रहा है 1,80,00,000 का लगभग आपका कॉर्पस बन रहा है। दोस्तों उसी जगह पे अगर आप SIP करते हो 5,000 रुपए हर महीने के लिए, दोस्तों कॉर्पस बन रहा है दोस्तों अगले 20 साल में 2,39,20,000। दोस्तों बहुत बड़ा एक फंड तैयार हो रहा है दोस्तों, और ये म्यूचुअल फंड जिन जिन टॉप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वो कंपनी वेदांता, फिनोलेक्स, टिमकेन, शेला, वेस्ट लाइफ, इशब, फाइन ऑर्गेनिक, ब्लू स्टार, CMS इंफोसिस्टम लिमिटेड, त्रिवेणी टर्वेन, दोस्तों ये सब टॉप टॉप कंपनी में म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करता है। दोस्तों थर्ड नंबर पे जो SBI के म्यूचुअल फंड है दोस्तों SBI मैग्नम मिड कैप फंड। दोस्तों एवरेज 3 साल का है 23%, 5 साल का है 13% और लास्ट 10 साल से ये 19% का रिटर्न अपने कस्टमर को बना के दिए हैं। दोस्तों ऑल टाइम का जो रिटर्न है दोस्तों 18.72%। अगर दोस्तों हम इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो आप 2 लाख रुपए और SIP करते हो 5,000 रुपए, वो भी 18% के हिसाब से हम रिटर्न पकड़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही कम है। तो दोस्तों आपका जो लमसम वाला जो दोस्तों बनेगा 54 लाख और जो SIP बनेगा अगले 20 साल में 95,46,000 दोस्तों। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपके इस भाई की यूट्यूब चैनल के एक PR सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।